तो किसी और को बोलना चाहिए था गेट ओवर मी जो आपके लिए एक शो में ये है तूने क्यों नहीं बोला क्योंकि जहाँ पे सही होता है आपको सही बोलना चाहिए और जहां गलत होता है आपको गलत बोलना चाहिए पर आप बोलते नहीं है ना यही आपकी री, क्लैरिटी बात करता में क्लैरिटी नहीं है यही होता है रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी ना रखना जी हेलो एवरीवन मैं हूँ शीतल ए ट्वेंटी फोर चैनल से और मेरा सवाल अभिषेक कुमार से है जब भी जब से हम आपको बिग बॉस में देख रहे हैं आपका एक अग्रेसिव नेचर देखा है और आपने ये भी कहा है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ और जिसकी वजह से आपका और ईशा का रिश्ता भी टूटा और जिसकी वजह से आपने मेडिकेशन भी शुरू की थी तो अब आप फिनाले तक पहुंच गए हो तो आप क्या आप इस चीज़ से प्राउड ऑफ़ फील करते हो कि हाँ मेरी अग्रेशन की वजह से मैं फिनाले तक पहुंच गया हूँ बिग बॉस के और आप यही कंटिन्यू करेंगे मैं ऐसा ही हूँ <laughs> नहीं ऑब्वियसली बाहर मैं ईशा से ब्रेकअप के बाद मैं बहुत चेंज हो गया था मैंने एक शो भी किया अगर आप इसी चैनल का शो किया था तो मतलब मुझे खुद में बहुत चेंजेस दिखे मैं लोगों से सबसे अच्छे से घुलने मिलने लग गया था मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया था हर चीज़ नॉर्मल हो गई थी पर यहाँ आने के बाद जब आप पे वो चीज़ें हावी होती हैं ना तो आप जो बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे होते हो वो कंट्रोल आपसे हो नहीं पाता है तो आप एकदम से जो आप कंट्रोल कर रहे होते हो वो फूटता है और जब वो फूटने लग जाता है फिर वो कंट्रोल वे में आ नहीं पाता है तो मैं ऑब्वियसली प्राउड नहीं हूँ बट मेरा मेरी ये पर्सनैलिटी है मैं ऐसा ही हूँ बट मैं उस चीज़ को काफ़ी हद तक जो मेरा अग्रेशन लेवल है बस मुझे वही लगता है कि मेरा जो अग्रेसिव नेचर है जो भी है वो चीज़ गलत है बाकी जो मेरी चीज़ें हैं वो मेरे को अच्छी लगती हैं जैसे मैं बहुत फोकस्ड हूँ मैं अपने काम को सीरियसली लेता हूँ मैं आगे बढ़ने की ट्राई करता हूँ बस जो वो नेचर है उस वजह से मेरी बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं ऑब्वियसली मैं उस चीज़ को ठीक करना चाहूँगा उसके अलावा मैं जैसा हूँ मेरे को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ हाई हेलो या दिस इज लेटी फ्रॉम मिड डे ओके मेरा आई मीन काफ़ी सारी बातें हुई काफ़ी इल्ज़ाम काफ़ी खुलासा हो चुका है काफ़ी आप लोग ने बोला है मुझे सिर्फ एक जानना है आप सब से कि इसके बाद लाइक स्पेशली विकी और अंकिता इसके बाद कपिल थेरेपी लेनी पड़ेगी बहुत और बाकियों से क्या आपको भी वापस जाके ये घर में जैसा माहौल जितने इल्ज़ाम जो भी नेम कॉलिंग सब हुआ है घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी थेरेपी यही है अभी आप घर में जब इतने दिनों तक रहते हैं ना आपको अपने रिश्ते में शायद जब हम बाहर भी अपने घर पर रहते हैं हम दोनों ही रहते हैं तो उस टाइम आपकी गलतियां शायद कोई बताने वाला नहीं होता और आपको कभी समझ में भी नहीं आती आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सौ दिनों में मुझे इतने सारे लोग और जब वही 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 सवाल पूछ रहे हैं ना तो शायद अब मैं अपना लुक लुकबैक करूँ तो मुझे लग रहा है ओ शायद सच में उस समय पे मुझे नहीं ये एहसास हो पा रहा था कि सच में मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी जो शायद बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी मैं वैसा इंसान हूं ही नहीं अपनी लाइफ में मैं मैं उस अभिमान के साथ अंकिता के साथ हर जगह खड़ा रहा हूं आई हैव ऑलवेज बिन हर वेरी स्ट्रांग सपोर्ट एंड शी हैज बिन माई सपोर्ट आई एम सो थैंकफुल कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से यहां पहुंचा मैं कभी नहीं शर्माया mm -hmm. बात बोलने से बट यू नो इस जर्नी में कहीं सच में इतना खो गया कि शायद वो एहसास जो होता है रिश्ते का वो ही खो गया था तो आई रियली वॉन्ट टू से सॉरी टू हर दैट यू नो शायद हर वो चीज के लिए जो मुझसे गलत हो गई और आई विल पक्का मेक इट अप टू यू आई प्रोमिस मुझे आज तक सच में समझ में नहीं आया कि इतना ज्यादा यह चीज होगा मेरे वालों वालों ने ने। सिखाया है के वालों ने। तो कौन <laughs> से से, से मनारा, थेरेपी लेनी पड़ेगी थेरेपी की कपल नहीं।, नहीं इसके लिए आपके लिए कपल नहीं बोला कपल, वो कपल थेरेपी या सिर थे मैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ थेरेपी वगैरह जो है उससे बेहतर एक चीजें ये होगी कि मेरी वजह से जो हर्ट हुआ है और मेरी वजह से जिसको प्रॉब्लम हुई है मैं उनसे सॉरी कहूँ और वैसा सॉरी कहूँ कि मुझे वैसी माफ़ी मिल जाए कि मेरे लिए वो थेरेपी हो तो शायद वही कोशिश रहेगी मैं बाहर जाके कपल बनाऊँगा फिर थेरेपी बना रहा <laughs> अगर कोई बन गई तो <laughs> मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि जब मैं घर जाके अपनी मॉम अपनी सिस्टर को देखूंगी और मुझे वॉक करने का बहुत शौक है मैं अपनी बैक रोड पे जाके वॉक करूंगी तो मेरे वो हो, हो जाएगा uh, हाँ मुझे पे लेना टाइमिंग टाइमिंग बता, बता, के, के बजे बाद मैं मिलती तो मेरे लिए वही अपने एयरपोर्ट्स लगा के वॉक करना अपनी फैमिली को मिलना गुरुद्वारे जाना मेरे लिए वही यू मुझे ऐसा लगता है मेरी थेरेपी से थेरेपी से पहले मैं जब घर वापस जाऊँ मुझे घर जाने के बाद आई थिंक हमारे पेरेंट्स जो हैं उनसे मिलकर बहुत सारी बातें करनी है बहुत सारी सॉरीज़ बोलनी और माफ़ी मांगनी क्योंकि हमारे इस बर्ताव की वजह से कहीं ना कहीं हमारा परिवार सच में हर्ट है जो कि कभी एक्सपेक्टेड नहीं था तो शायद जब वो ठीक हो जाएंगे और जब वो नॉर्मली बात करेंगे और प्यार देंगे तो हमारी थेरेपी वहीं ख़त्म हो जाएगी अरुण आपको

दिल के रूप में आप किसी की गरीबी का मजाक बनाना मैं बता दूं आपको आप वो आज आपके साथ ही वही प्लेटफॉर्म पे टॉप सिक्स में खड़े हैं कौन किसका मजाक उड़ाया मैंने मुनवर का नो आई डोंट थिंक सो एक ही बाल्टी में खड़े रहकर नहाएंगे ये पानी से निकाल कर ये पानी में जाएंगे फिर उनकी मेम्बर उनकी उनके रिलेशनशिप okay. को लेकर आपने मजाक बनाया हाँ, मैंने उड़ाया आप बोलते हो आप रिस्पेक्टफुल गर्ल हो ठीक है इतनी बड़ी फैमिली से आते हो ये सब बात आपने सबके कैरेक्टर पे बात करी Okay. आप किसी की गरीबी पे या अपब्रिंगिंग या लाइफ स्टाइल sure. पर भी बात करो क्या ये uh, सही है मैं आपको बताती हूँ अगर मैंने किसी के uh, गरीबी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से आई विल जस्ट टेल यू जब मैं बॉम्बे आई थी आई एम नॉट सेग कि मैं कोई गरीब फैमिली से हूँ और एनी थिंग मैं एक वेल एजुकेटेड वेल ब्रॉटअप मिडिल क्लास फैमिली से हूँ बट मैं भी As a guest पैसों की बहुत वैल्यू है आज भी मैं अर्न करती हूँ day... पूछे गए हैं वो फैक्ट गलत है जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है जी थैंक यू बिग बॉस बट वही दोस समर्थ के साथ बैठकर तो आप अपने दोस्त को डिसाइड कर ही सकती है कभी भी लाइफ में किसी की गरीबी का मैम जैसे आपने बोला मजाक उड़ाऊंगी क्योंकि आज भी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अगर बाहर जाती हूँ ना

ही बोल रही हूँ डिफेंड कर सकती थी अंकिता माई क्वेश्चन इज टू यू फिनाले वीक का जब टास्क हुआ जब चारों जन फिनाले वीक में चले गए आपका जो फेस दिखा क्या ये अंकिता है या पहले दिन से हमें जो दिख रही है वो अंकिता है. दोनों अंकिता है कभी कभी मूड ख़राब भी होता है ना उसमें कोई गलत चीज़ें निकल जाती है और वो भी एक अंकिता हो सकती है दर इज़ नथिंग रॉन्ग अगर कोई चीज़ हर्ट है तो वो भी निकल जाए और कभी एक जो चीज़ मुन्ना के साथ हमेशा से अच्छी चली आ रही थी और हर्ट टास्क की वजह से नहीं था मैम हर्ट मेरा मुन्ना की वजह से क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं वो कनेक्शन मैं फील करती हूँ मुन्ना के साथ और मेरी मेरे बातचीत नहीं हो पा रही थी तो मेरा कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा गुस्सा था बट कहीं वो दोनों अंकिताएँ यू कैन से दैट अंकिता मेरा सवाल आपसे हाय दिस इज रिद्धि फ्रॉम टेलीजस का सो so, आपसे मेरा सवाल है कि हर टाइम जब भी कुछ घर में होता है या कुछ भी होता है तो आप पिक्की भैया को ब्लेम करती है काफी चीजों में ऐसा देखा गया है जब किचन में भी कुछ हो रहा था मनारा के साथ में आपने कहा था थप्पड़ मार दूंगी ये वो तो उसके बाद आप जाकर पप्पी झप्पी कर लेती है उनको फिर आपका पति है ना मेरा अब क्या करूं गुस्सा भी उसी पे आता है और प्यार भी उसी पे आता है तो आ, फिर जाकर आप यू नो सेम पैटर्न चलता है आपको तो होता है हाँ, लेकिन बहुत टाइम तक नहीं रहता है सेम पैटर्न हाँ, एक्चुअली मेरे हाँ, साथ होता है यही उसकी कंप्लेन है कि मैं रियलाइज करती हूँ चीजें लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि Uh, फिर मुझे कहीं ऐसा लगता है कि नो आई एम गेटिंग डिस्टर्ब बाय समथिंग तो मैं उसको जताती हूँ ये चीज़ तो चाहे मुझे ऐसा लगता है बहुत ऐसी चीज़ें जो शायद उसे समझ में नहीं आ रही है एक एज ए वीमन जो मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ मैं शायद कम्प्लीटली उसे बता नहीं पाती हूँ तो कई कई भागों में वो चिड़चिड़ निकल आती है लेकिन आई एम श्योर कि अब से मैं इस पैटर्न को चेंज करके कुछ नया करूँगी ओके okay. uh, मेरा सवाल मुनावर और अभिषेक मनारा आप तीनों से है कि फिनाले वीक में जब टास्क हो रहा था टॉर्चर टास्क हो रहा था तब विकी भैया और अंकिता आपके टीम में नहीं थे तो आपको लगता है जो डिसीजन आप लोगों ने लिया है जिस तरीके से आप फिनाले वीक में पहुंचे वही सेम रिएक्शन उनका आपका होता सिचुएशन अगर उल्टी होती तो अंकिता जी ने तो खुद अग्री किया Definitely. और ईशा ने भी अग्री किया कि हम भी वहाँ पे होते तो तो वो रिएक्शन रिएक्शन डिसीजन 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 अगर उन्होंने लिया होता होता हमारा क्या decision उल्टी होती हाँ मैं मैं क्लियरली बोलता हूँ अगर मैं वो सेकेंड टीम की सिचुएशन में होता तो जो अनफेयर चीज़ें अनथिकल बोली गई थी टास्क में दिमाग लगा के तो कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ें ना करता मैं मुझ में इतनी सच में हिम्मत नहीं है कि मैं बाल्टी लेकर कहीं फेंक दूँ मुझमें सच में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खाना सच में वेस्ट करूं कि मैं इसको बहा बहा देता हूं नहीं, 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 मैं या मैं छुपा देता हूं मुझ में शायद वो हिम्मत नहीं है और आपने अगर थ्रू आउट देखोगे तो आपने देखा होगा कि मैं प्लेट भी कैसे साफ़ करता हूँ और कैसे बचा कुचा खाना सेकेंड थर्ड डे खाता हूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरे एक्शन ही है कि अगर पानी फेंका गया है तो मैं माइक ऐसे सामने नहीं करता हूँ पानी फेंका गया तो मैं माइक हटाता हूँ वो एक प्रोटेक्टिव चीज़ों को लेकर नेचर है तो मैं शायद वो करता ही नहीं जिसकी वजह से बिग बॉस इस तरह की सिचुएशन में उनको खड़ा करते हैं और इनकेस अगर मुझसे या मेरी टीम से ऐसा कुछ हो भी गया होता तो मैं जैसे बोलता हूँ मैं अपने फेलियर का इल्ज़ाम लोगों पे नहीं डालता अपने आप पे ले लेता हूँ या किस्मत पे ले लेता हूँ तो शायद मैं ओके होता और कहीं ना कहीं अगर मैं होता मैं मसाला डाला तो मैं भी डंके की छोट पे रेडी होता कि भाई अगर मैं करा तो सामने वाला भी करता ये नहीं कि डर डर के छुपाऊँ सब कुछ और अगले दिन गायब